मुर्शिद जी नमस्ते। तमाम जम्मू कश्मीर के किसान की तरफ से प्यार भरा नमस्कार सर। मुर्शिद जी सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। आपका त्योहार आपके जीवन में खुशियां बढ़ाए, मेरी यही कामना है। और मुझे बताया गया है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने फिर ये काम चुना। कई नौजवान आज आपकी बातें सुनकर के उनका भी खेती की तरफ रुझान बढ़ेगा, तो आपकी पढ़ाई और खेती कैसे आपने मेलजोल किया है जरा बताइए। सर मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में टैंगपुरा के गांव से ताल्लुक रखता हूं सर। सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है इंग्लिश में सर। मेरी वालिदा है, मेरी बीवी है, मेरे तीन बच्चे हैं और छोटा भाई है, वो बीएससी नर्सिंग कर रहा है अभी सिक्किम में सर। मेरे पास 26 कनाल की जमीन है सर। 14 कनाल की जो जमीन है उनमें ऑर्गेनिक सब्जी बनाता हूँ सर, और जो 12 कनाल जो जमीन है वो मैं धान की फसल बनाता हूँ सर। मैं ऑर्गेनिक सब्जी इसलिए बना रहा हूँ सर क्योंकि पहले हम ट्रेडिशनल सब्जियां बनाते थे, उसमें कुछ आता नहीं था सर। जब हमने नौकरी की तलाश की तो नौकरी हासिल नहीं हुई, तो मैंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से, जो कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जम्मू कश्मीर का है, कश्मीर का है सर, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है, वहाँ से मैंने एजुकेट किया है। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी ज़मीन की तरफ जाऊँ, तो मैं अपनी तरफ ज़मीन की तरफ गया, तो मैंने ऑर्गेनिक सब्जी बनाई सर। मैं एग्जॉटिक सब्जी ज़्यादातर बनाता हूँ सर, उसमें है कैप्सिकम, ब्रिंजल है, कुकुम्बर है सर, ग्रीन चिलीज है सर, उसमें मैं ये सब्जियां उगाता हूं सर। अच्छा खुर्शीद जी ये बताइए कि आपको मार्केटिंग और दूसरी चीजों में सरकार की कुछ मदद मिल रही है क्या? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से मैंने गांव में एक एफपीओ बनाया है 30 फार्मरों की सर। हम ये ऑर्गेनिक सब्जियां एक जमा इकट्ठा करके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक रेफ्रिजरेटर वैन मैया किया, फैसिलिटेट किया मुझे, वो सब्जियां लाल मंडी में लाते हैं, वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक ऑर्गेनिक मंडी बनाई है, तो ये सब्जी जो है ऑर्गेनिक वो वहाँ बेचते हैं सर। खुर्शीद जी आपका साहस और समर्पण ये अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि इतनी पढ़ाई करने के बाद फिर इस तरफ लौटना ये एक जज्बा रखता है जो आपने दिखाया है। वरना आदमी उलझन में रहता है, भाई अब क्या करूं, दुनिया क्या कहेगी, फिर लोग कहेंगे इतना क्यों पढ़ा लिखा और यही करना था तो बचपन से ही कर लेता। वो सब परवाह किए बिना आपने अपने जीवन का रास्ता चुना, सचमुच में बहुत ही इंस्पायरिंग है। आप जैसे शिक्षित किसान जब ऑर्गेनाइज ढंग से काम करेंगे और करते हैं तो कैसे परिणाम निकलते हैं ये आज हम देख रहे हैं। आप अपनी कोशिश जारी रखें, आपको, आपकी टीम और आपके गांव के लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद खुर्शीद जी।